और वीडियो अच्छी लगी तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के नहीं, लिए। और इफ यू डोंट डू द सब्सक्राइब देन व्हाट विल हैपन। बहुत टाइम के बाद बन रहा है व्लॉग। ये हमारी पोलोती है यहाँ पर, और आज हम जरा एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने कुछ दोस्तों के साथ, और बहुत टाइम के बाद व्लॉग बन रहा है इसी बात पे। कैसे हो दीजो? ठीक हूँ, बहुत अच्छा। एक मिनट रुक जाओ भाई, बेल्ट बेल्ट बांध ले, बहुत टाइम के बाद आपको दिखा रहा हूँ। गाने का तो बंद बेटा, गर्मी हो रही है बहुत। तो कैसे हैं सारे? बहुत बढ़िया। बहुत टाइम के बाद आप हमारे गाड़ी का अंदर का इंटीरियर व्यू देख रहे होंगे, मैडम को भी देख रहे होंगे, मेरे को देख रहे होंगे वीडियो में। और कैसे हैं सारे? बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहना। हम जा रहे हैं आज थोड़ा घूमने, और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे, घड़ी बंद हो रखी है, 6:40 का टाइम हो रहा है। और वही पुराना अपना स्वैग, यहाँ छोटे मोटे बच्चे अगर ये देख पाएंगे, इनको दिखाऊँ मैं नहीं दिखा सकता, छोड़ो यार। एक तो पता नहीं सनलाइट है, क्या दिक्कत हो गई? Why the sunlight is like this? Huh? My sunlight? Yeah, but now it's fine. In 4K. तो आज कपड़े वपड़े मस्त पहने हुए हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेते हैं यार। अब इंटरव्यू इंटरव्यू वाले ख़त्म हो गए सारे, और इसी बात पे हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। People are used to watch your overacting. Where are we now? Huh? At railway station. तो ये हमारा रेलवे स्टेशन है यहाँ का, बटन एंड ऑफ का। और आप देखो यहाँ पर पार्किंग फ्री होती है गाड़ियों की, साइकिलों की। जूम करके दिखाता हूँ, अपना लॉक लेके आओ, स्टैंड बने होते हैं और आप पार्क कर सकते हो। और ये एक यहाँ पे स्पालो करके रेस्टोरेंट है। तो जर्मनी में यूजली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा है, इसलिए जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन उसकी जान माना जाता है, और हमारी जान ये आ रही है पीछे। और ट्रेन को वैसे यहाँ पे जान कहा जाता है, और ये छोटी ट्रेनें बड़ी ट्रेनों से जोड़ती हैं, और इसको मत ध्यान देना है, पता नहीं कहाँ से कौन सी उग गई है इस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ट्रेनें यहाँ की जान है और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की जान है। पहली बार हमारे नल्ले से कैमरामैन जिन्हें कैमरा पकड़ना नहीं आता, उनको हमने कैमरा दिया है, हमारी बीवी को। और आप अगर मेरे सामने का व्यू देखें यहाँ से, तो एक ट्रेन है वो यहाँ से जाएगी तो मेन स्टेशन को कनेक्ट करेगी, हास्टे नाम के, यहाँ से जाएगी तो हनोवर नाम के उससे कनेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ से जो टाइम लगेगा वो लगेगा 40 मिनट, यहाँ से जाओगे तो 5 मिनट में आप हास्टे पहुँचोगे, फिर हास्टे से चेंज करके जाओगे। तो कुछ पता नहीं है, आज गर्मी थी, हम जैकेट पहन के आ गए हैं, भरोसा नहीं है जर्मनी का भाई, 2 मिनट में ही वेदर बदल जाता है। और मैं अगर ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी है, 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के। पर पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं आगे। वो गाड़ी का वेट करेंगे अभी, और गाड़ी के बाद जाएंगे। मैडम बोल रही है वी आर बोरिंग है, बोरिंग है भाई, भाई सब्सक्राइबर वब्सक्राइबर बढ़वाते नहीं हो आप हमारे हैं, और फिर जनता कहेगी कि सब्सक्राइबर इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप कुछ कंटेंट नहीं डाल रहे। तो कंटेंट भी डाल रहे हैं धीरे धीरे, पहले डाला हुआ वो तो अच्छा खासा बना देते थे उसमें, अब पता नहीं आप लोगों में क्या दिक्कत आ गया है। तो मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, आगे जाएंगे और खाना खाएंगे, और फिर मिलेंगे। मेरी थोड़ी यारी दाना ना दिमाग खराब, दिस पिंपल इज लिटिल बिट इरिटेटिंग ना, लुक्स इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड अपीयरेंस विद अ पिकल, चांद में दाग, लाइक मून हैज अ स्कार। ये वाला अच्छा था, इसी बात पे। अभी हम थे स्ट्रासवान में, और अब हम जाएंगे ऊबान में। और ऊबान मतलब जो सिटी के अंदर अंदर चलती है और बीच में भी चलती है, ठीक है।
तो अभी आपको दिखाते हैं उबान और उसके बाद में पहुँचेंगे रेस्टोरेंट में। बहुत सारे लोग खड़े हैं, थोड़ी बोलने में शर्म आ रही है, पर ठीक है चलता है। ये आ गई उबान। और ट्रैवल करने के बाद आ गए हैं, जो होटल हम जा रहे हैं आए हैं वो है मंगल। तो देखते हैं अगर ट्राई, ये तीसरा इंडियन रेस्टोरेंट है मेरा यहाँ पे जर्मनी में, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। ये प्रकाश सिंह जी का है। तो हमारे शेफ साहब दिखाएंगे आपको यहाँ पे, यहाँ सूप है, धनिया सोबरा, पापड़ी चाट, पानीपुरी भी है, तंदूरी बुरानी, जयपुरी बिंदी, जयपुर उंडी है। आप गाने सुन सकते हो, इंडियन में गाने चल रहे हैं। तो बहुत सारा इसमें बहुत सारे ऑफर हैं देखने लायक। इंडियन ब्रेड, पापड़म नान, तंदूरी रोटी और भटूरा। मैंने तो एक ही ऑर्डर करनी है, दाल मखनी, और दाल मखनी के साथ रोटी। मैं तो यही खाता हूँ, बढ़िया लगती है मुझे। बाकी ये देखते हैं क्या खाइए। अभी हम उन दो बंदों का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या शुरू होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर तो नमस्ते, हम फिर दोबारा वापस आ गए हैं। उस समय खाने का वो रिव्यू बताना रह गया था, वी फॉरगेट टू रिव्यू अबाउट द फूड, हाउ वाज इट, एंड दैट्स द रीज़न वी आर मेकिंग दिस शूट हियर इन आर पेरेंट्स हाउस, इन लॉज हाउस। सो बाबू, वेल आई ऑर्डर्ड दाल मखनी एज यूजुअल, आई ईट ऑल द टाइम दाल मखनी। मैं तो दाल मखनी खाता हूँ, उसके अलावा कुछ खाता नहीं। शी ऑर्डर्ड वेजिटेबल बिरयानी। तो यू लाइक दैट? It was very tasty. Tasty. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. And yeah, it was also really good decorated. Mm. You can say with a roti. Handi wali. Explain. Yeah. हांडी वाली वो थी बिरयानी, वो रोटी से कवर कर रखा था। और ये मैडम वही रोटी खाने लग गई थी। I was eating. This was really funny. बस खाली कवर करने के था कि स्टीम बाहर ना जाए। Yeah. And you said, oh, no, no, this is not well cooked. This is just for decoration. I said, oops. And I was already eating. Yeah. Okay. Yeah, it was really tasty. I have some sauces. I really don't know the name also, but maybe you can, you know. Yeah, वो लाल चटनी थी कुछ टमाटर की बनी हुई साथ में खाने के लिए। And this mint one with the yogurt. Mint वाली भी थी, mint और दही के साथ वाली भी थी। Yeah, this is my favorite one. हाँ, इसको अच्छी लगती है वो। Yeah. And I have mango lassi also. It was also very tasty. But obviously nothing compared to the one made in India means. India mein different hai, matlab yahan par bhi achhi thi, par wo wala taste. But even to be in Europe, this is also very very okay, very fine, very nice. Yeah, and then. Then dal makhni. To yaar dal makhni maine abhi tak yahan se badhiya wali dal makhni bhi khayi nahi. ये दाल मखनी मेरे को सबसे अच्छी लगी। आई लाइक दिस दाल मखनी। एंड आगे की वीडियो आगे देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए के लिए। और इफ यू डोंट डू द सब्सक्राइब देन व्हाट विल हैपन? ओ, वीडियो अच्छी लगी तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का दिन अच्छा रहा, बहुत टाइम के बाद हमने व्लॉग बनाया, वी मेक अ व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। और अभी हम हनोवर के आउटबाउंड स्टेशन पे हैं और अपने घर जा रहे हैं, और देखते हैं, नहीं देखते क्या, आप तो घर जाके बात होगी या घर जाने से पहले ही बात होगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और हम आपसे अगली बार मिलेंगे, ठीक है? और बहुत टाइम के बाद व्लॉग बनाया था, और व्लॉग बनाने के बाद आपसे मिलेंगे अगली बार। हमने थक गए हैं, वी आर वेरी टायर्ड एंड वी नीड टू गो होम एंड जस्ट वांट टू स्लीप, एंड वी आर आउट वन ऑफ, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कैसा हो? वेरी गुड। रात के 11 बजे हुए हैं, और अभी आप देखो ट्रेन के अंदर का माहौल कैसा है।
तो ये ट्रेन जाएगी यहाँ से हास्टे और हास्टे से हम लेंगे बटन एंड ऑफ फिल्ली ट्रेन। तो जहाँ पर हमने खाना खाया वहाँ पर खाना अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर आप देखोगे अब मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने खाना पैकिंग करवाया घर के लिए ताकि एक हफ्ते अपना खाना चलता रहे बड़ी तरीके से, ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद हमारा ब्लॉग आया है, इसको आपको लाइक करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, वीडियो को ही लाइक करना है, पिंपल को मत देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब हम घर जाएंगे, घर जाके सोएंगे, आगे देखेंगे। बाकी तब तक आपको इस वीडियो को देखें, प्यार दें और फिर मिले। वीडियो अच्छी लगी तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान रखिए अपना, घर वालों का ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसी बात पे बॉडी तो बनती है।